नारायण हरि। सुबह सत्संग किया था, सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि ज्ञान अग्नि कर्माणाम तमाम पंडितम बुधा। कामना और संकल्प से रहित हो जाओ, और ये भी बोल के गए थे कि शाम के सत्र नहीं है, फिर भी लोगों के संकल्प खींच के लाए हैं। जय सत्संग क्या है, दुनिया बदलती है। हाँ भाई, ओम 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 हरि ओम ओम हमने भी भोजन नहीं किया, अभी भी नहीं किया है,
फिर भी हम थके हुए नहीं लगते। नारायण हरि, हमारी चिंता नहीं करना, आई एम स्वस्थ, मैं ठीक हूँ, बीमारी के कारण हमने नहीं खाया, ऐसा कुछ नहीं है। नारायण हरि, थोड़ा खुले हो जाते दो व्यक्ति के बीच, थोड़ा डिस्टेंस रखते तो अच्छा, वैसे भी सोशल डिस्टेंस के अनुसार है। एक जगह पर सोशल डिस्टेंस के लिए बहुत बड़ी कंपनी, तो उन्होंने चरण के निशान रखे थे, चरण समझे कोई ना पकड़ा, तो जो लोग आए अनजान लोग दंडवत प्रणाम करते जाए, अरे भैया सोशल डिस्टेंस माटे है, समझे। नारायण हरि, हंसते के था कैसे दुनिया, रोते के कौन। अब बैठ जाइए, थोड़ा जगह रखते तो और भी अच्छा रहता, नहीं तो ध्यान में एक दूसरे से टकराते, कोई डिस्टेंस रखते, और धूप आते धूप की व्यवस्था भी करो। मंदिर में भजन कीर्तन सत्संग हो रहा था,
मिश्री के साथ रचना घोल का शरबत बनाया गया। भगवान को ठाकुर जी को भोग लगाकर भक्तों को भी बांट दिया गया। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। सुबह हुई सेठ ने देखा कि अरे सोंठ का बोरा तो ऐसे ही पड़ा है, मैंने सोंठ की जगह वचनार्थ दे दिया। भागा भागा आया और माफी मांगने लगा, किसी की जान हानि तो नहीं हुई? क्यों सेठ जी ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मेरी गलती के कारण कोई निर्दोष मर जाए, मुझे कितना पाप हो। एकादशी में लोग भगवत कीर्तन कर रहे थे, भगवान नाम ले रहे थे, ऐसे पुण्यात्माओं की हत्या का पाप मेरे से नहीं, ऐसी तो कोई जानहानि नहीं हुई है। क्यों ऐसा पूछ रहे हो? क्योंकि मैंने सौंठ की जगह वचनांग दे दिया था, वो जेरी होता है। उस संत को हुआ के हमने भगवान को भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटा था, तो हमने भगवान को जहर का प्रसाद देने का पाप किया। सबको सुनाई दे रहा है? भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ठाकुर जी के पास जैसे ही गए, तो जैसे कोई जिंदा व्यक्ति जहर ये वो उसके शरीर के अंग पर मिलापन आ जाए, ऐसा उस जगह भगवान की मूर्ति को मिलापन। संत भाव से भगवान स्वामी केशवानंद आर्त भाव से भगवान से माफी मांगने लगे। प्रभु आपकी भक्ता ने मीरा में जहर का प्याला पिया तो मीरा को कुछ न हुआ, आपको पूतना जहर पिलाने आई तो आपको कोई असर न हुई, और हम भक्तों की लाज रखने के लिए आपने जहर आपको भोग लगाया, लेकिन भक्तों की लाज रखने के लिए प्रभु आपने भक्तों को कुछ न हो जहर अपने ऊपर लिया। जैसे कई बार पूज्य बापू जी के पास बड़े बड़े लोग होते भावना में श्रद्धा से, ये तकलीफ है ठीक है कैंसर कैंसर हो जाए वो ठीक हो जाए, उन बोले भाले लोगों को पता नहीं होता है। कई बार संत दूसरों की पीड़ा अपने ऊपर लेते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस गंगा किनारे टहल रहे थे, जोर से चीखे चिल्लाए मुझे मत मारो मुझे मत मारो। सेवक ने कहा स्वामी जी आप है मैं हूँ, आपके इर्द गिर्द और कोई है नहीं, धोती हटाई तो पीछे रामकृष्ण देव की पीठ पर अंतर चाकू के निशान थे। उनको आश्चर्य हुआ, दूर कोई जमींदार किसी गरीब किसान को हंटर से मार रहा था, उसकी पीड़ा
ब्रह्मज्ञानी संत होते एकात्म, एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर, पीठ निशान राम कृष्ण। यहां भगवान ने भक्तों को कुछ न हो इसलिए वो वचना का जहर अपने ये कलयुग की सत्य घटना है। कर्नाटक की टाटा कोरोना कप्पा नदी भगवान से आर्तभाव से प्रार्थना की कि प्रभु हम लोग को की गलती क्षमा करे। नैनों से नीर बहाते हुए प्रार्थना की जा रहे की जा रहे। भक्त और भगवान के तार आपस में जुड़े और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पहले जैसे मुस्कुराती हुई थी, बंसीधर की मूर्ति फिर से हंसते मुस्कुराते हुए नजर आए। गोलमेज परिषद में आइंस्टाइन ने गांधी जी से पूछा, मिस्टर गांधी के ये सूरज बिना खंभे के टाइम से उदय होता है, अस्त होता है, चंद्रमा ऋतुएं अपने अपने ढंग से अपना अपना काम करती है, तो ये ग्रह नक्षत्र सूरज चांद इनको चलाने वाला कोई चलाने वाली कोई सत्ता है? आइंस्टाइन का गांधी जी और आइंस्टाइन पास पास में बैठे थे। गांधी जी ने कहा, मिस्टर आइंस्टाइन हम दोनों आस पास में बैठे ये बात झूठ हो सकती है? लेकिन मेरा राम मेरा परमात्मा तीनों काल में है और उसी की सत्ता से सारी सृष्टि चल रही है। उसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं होता है। रेली से एक बहन इधर आई हुई 2020 में हमारा उधर सत्संग था या होली शिविर के बाद, वो बहन और दूसरी बहन वलसाड सत्संग सेंटर दूर ऊपर की मंदिर पर उनसे विदाई मिलने आए, तो उन दोनों पवित्र बहनों को कहा कि अब इस आश्रम की जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी, आपको संभालना है आगे चलकर। जो स्टोर के महेश भाई है वो भी थे, बल्लू भाई भी थे, तो आज उस बहन ने हमको बताया कि कुछ दिन पहले बापूजी सपने में आकर मुझे यही कहा कि अब ये वलसाड का आश्रम आपको ही संभालना है। बापू जी ने लाज रख ली हमारी, हनुमान जी से बुलवाया, राम जी ने फिर पक्का लाइसेंस दे दिया, दे राम जी की। तो उनकी बेटी को सारे शक्ति मंत्र लेना था, पता चला कि ऑनलाइन भी दीक्षा लेंगे, तो थोड़ी दुखी हुई हमारे भाग्य से। हम चाहते कि पूज्य बापू जी के सामने बैठकर बापू जी की नूरानी नजर हम पर पड़े, बापू जी की सांभवी दीक्षा हमको मिले। तो बहन खूब बापू जी अपनी गरीब गरीब भाग्य भी गरीब रोते 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 बापू जी को प्रार्थना करते करते सो गए। सपने में ध्यान से सुनना, सपने में दो की जरूरत ना हो तो एक बैठ जा रहा तो पीछे वालों को आप डिस्टर्ब कर रहे हो। अब आपको अच्छा लग रहा है? ठीक, नारायण हरि नारायण। वो बहन रोते रोते बापू जी को प्रार्थना करते करते सो गई। स्वप्न में उसने देखा कि पूज्य बापू जी किसी कुटिया में बैठे हुए और ये भी वहाँ बापू जी तक पहुँची, बापू जी के दर्शन पा के सपने भाव से भर गई।
क्यों बेटी रोती है? जैसे एक बाप अपनी बेटी को दुलार करे, बापू जी ने अपने दोनों हाथ से उसको सिंह सहवाया, बापू का स्नेह प्रेम देखकर उसके आंसू में रुके। इतना दुलार मेरे बाप ने भी नहीं किया होगा। मूठ से मूठ मिले, सत्संग में बिल्कुल शांति से करते हो पारायण करो बैठे। बापू जी का इतना स्नेह, इतना प्रेम और बहन भाव में नैनों से गंगा दूंगा। बापू मेरी बेटी को दीक्षा, हाँ क्यों नहीं, जरूर दूंगा। उसकी बेटी को भी पास में बुलाया और खूब स्नेह किया, खूब दुलार किया और उसके कान में सारा सत्य मंदिर की दीक्षा और उसके पीठ पे हाथ घुमाते हुए बापू जी ने कहा, तो खुश नसीब है, तो खुश नसीब है कि गुरुवार को तेरे को गुरु दीक्षा मिली। अब ध्यान से सुनना, वो बहन सपना देख रही है अपने घर पे और बापू जी उसको बोलते हैं, देख गुरुवार को इसको गुरु मिल गए। फिर से स्नेह में, भाव में, श्रद्धा से भरकर आंसू की धारा बापू बापू करते उसको दीन खुली देखा। लेकिन बापू जी ने सपने में कहा था कि इसको गुरुवार को गुरु मिले है, उसने घर के कैलेंडर में देखा तो उस दिन गुरुवार ही था। जयराम, वो बहन इधर है क्या? या तो रसोई में सेवा करती हूँ, देवी से आप भाई वीडियो वाले हाथ कंगन को आरती का झूठ बोले तो हुआ का वो बहन है। इनका अनुभव है, टाइम बगाड़वा तो तुम्हारी पास थी सीखे। वो बहन कभी उस तरफ की लाइटें क्यों बंद है, बहनों की तरफ की? अंत में हाथ लाओ, हाँ हाथ ऊपर करो, हाँ अहिंथी अमे जे बोले साचू है ने, सपने में दीक्षा मिली और बापू जी ने कहा खुश नसीब है कि गुरुवार को तेरे को गुरु मिला। नींद खुली, घर में कैलेंडर को देखा तो गुरुवार ही था। और दूसरी आश्चर्य की बात, पूजा घर में देखा तो इसकी बेटी माता जप रही थी। तू तो बेटी माला जपती नहीं है, जपती है तो एक दो तो जपती है। बोले नहीं, आज तो मैं 11 माला करूंगी, बापू जी ने दीक्षा दी है तेरे को। और आप लोगों को मालूम होगा कि बापू जी दीक्षा देते तो बोलते 11 माला ऐसा बोलते। फिर तो संत और भगवंत इनकी महिमा अपरंपार है, इनके बारे में साधारण व्यक्ति हिसाब नहीं लगा सकता। संत और भगवंत की अपरंपार महिमा होती है और ब्रह्मज्ञानी की गतमित ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी जो संत होते उनको साधारण जीव नहीं समझे, उनकी करुणा कृपा का कोई और छोर नहीं होता। कुछ समय पहले की बात है, फुल स्पीड में अहमदाबाद से उदयपुर की तरफ गाड़ी जा रही थी, फुल स्पीड हाईवे पर। बापू जी ने कहा कि तुम्हें गाड़ी रोको। वो घबरा गया, क्या गलती हो गई? बोले खेत में एक किसान सिर पे गठरी चढ़ा नहीं रहा है, उसे चढ़ नहीं रही है, तू जा गठरी चढ़ा के पैसे देना, मिठाई देना।
यदि गठरी सही तो घर न पहुंच सके तो तू उसको घर पहुंचा के आनंद ले कर हाईवे पर बैठे। उनका एक एक सेकंड कीमती होता है, लेकिन सर्वात्मा जो उदर आत्मा आत्मा सर्वत्र मेरा ब्रह्म है, मेरा राम है, मेरा हरि है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भक्तों की रक्षा करने के लिए संतों का जन्म है, और गरीब किसान तो जानता तक नहीं होगा बापूजी को, बापूजी तो दूर से देखे तो उनकी करना। उनकी लीलाओं का कोई और छोर नहीं होता है। दुनिया के डॉक्टर जहाँ थक जाते हैं वहाँ उनकी लीला काम करती है। काफी समय पहले की अहमदाबाद की एक सत्य घटना, तभी इतना आश्रम डेवलप नहीं हुआ था, बापू जी की कुटिया थी, मौत कुटिया। नदी के उस तरफ से नदी पार करके सरदार नगर कुबेर नगर से लोग आते थे। एक बहन ने घर से सोचा, शिक्षिका थी, कि मैं आज बापू जी के दर्शन करके फिर ड्यूटी पे जाऊंगी सर्विस पे। नारायण नारायण। आश्रम में आई, नसीब के बापू जी उस समय भक्तों से परिचर्चा कर बापू का दर्शन करके नदी किनारे पहुंची। बापू ने कहा वो कहाँ गई, उसका नाम इंदिरा, जाओ उसको बुला के लाओ। वापस आई, नदी से करीब एक आध किलोमीटर होता है, एक आध किलोमीटर या थोड़ा कम आई। वही बापू देव पूछते प्रणाम के दर्शन, फिर बापू उसके तरफ देखे नहीं, वो भक्तों से हरी चर्चा कर देखा, मेरे से तो बात करते नहीं, चलती हूँ। काफी दूर गई, फिर बापू जी ने कहा वो कहाँ गए, मैंने फरी बोला सेविका गई, उसको बुला के लाई। वो आई, प्रणाम किया, लेकिन बापू जी उसके तरफ देखे नहीं, और भक्तों से चर्चा करी, चलती बनी। ऐसा तीन बार हुआ, तीसरी बार झुंझला के चली गई, मेरे तो बात करते नहीं, बार बार झुंझला। बापू तो अंतरिया मानती नहीं, क्या समझती है अपने आप को, इसको पकड़ो। सेविकाओं को कहा, पढ़ी लिखी थी तो थोड़ा ही को, इसके ऊपर कम से कम 30-40 पानी की बाल्टियां डाल दो, गर्म भी याद रखती। आदेश धमाधम पानी की बाल्टियां उसके ऊपर डाली जाती, और कुछ का कुछ बोले, क्योंकि उसको सर्दी थी, एक पानी की बाल्टी से हम न कर सके, 30-40 पानी की बाल्टी, हाँ क्या मुझे मार दोगे। सेवी कम को बोल रही, बापू के सामने तो क्या बोल रहे, उससे कुछ ऐसे वैसे करते ही सेवी का होने तो आज्ञा का पूरा पालन किया। जब वो घर पहुंची, उसने देखा कि आज सारे दिन में मेरे नाक से पानी नहीं बहा है, बचपन से लेके एलोपैथी आयुर्वेदिक होम्योपैथी न जाने कितनी दवा कराई, हजारों रुपए उसके बर्बाद हो गए, डॉक्टर तो उसकी सर्दी नहीं मिटा सके, और बापू जी ने हंसते खेलते लीला मात्र में हमेशा के लिए उसकी सर्दी मिटा दी। किसी को सर्दी हो तो आप घर जाके ये प्रयोग नहीं करना,
हम करता नहीं विचार कराए डबल थाय भाई जेने पानी नी एलर्जी होय ने पाछो गंगा जल न पीती होय અને જે બેસી જાય નડેલી નીચે એની શું દશા થાય કલ્પના કરો. લેકિન ગુરુદેવ સે નિરાલા કોઈ ઓર નહીં. ગુરુદેવ કા જો પ્રેમ હોતા હૈ જો કહે કે પાત પાત મે પાત તે સંતન કી બાત. દુનિયા કા કોઈ ડોક્ટર એ ભી કહે સકતા હૈ કે સર્દી મિટાને કા યે ઇલાજ કહીએ કે तेज सही जाए ना ऊपर. गुरुदेव से निराला कोई और नहीं रे. गुरुदेव से निराला कोई और नहीं रे. मेरा पार लगा दे आता, मेरा पार लगा दे आता कोई और नहीं रे. गुरुदेव से निराला कोई और नहीं रे. गुरुदेव से निराला कोई
जिसमें अमोघ शक्ति होती है। जप करने में एक पैसे का खर्च नहीं, फिर भी लोग जप करने में इतनी रुचि नहीं रखते। महाभारत का युद्ध पूरा हुआ, पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर, धर्म की विजय हुई है, अधर्म का नाश हुआ है, अब तुम राज्य की धुरा अपने हाथ में लो, खुद भी सुख से जीवन बिताओ, प्रजा को भी सुखी करो, दुष्ट दुर्योधन दुशासन के राज्य भी प्रजा दुखी करो। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान इस महाभारत के युद्ध में न जाने कितने क्षत्रिय युवा खून की नदियां बह गई, मेरा अंतकरण इससे बोझिला हो गया है। मैं चाहता हूँ कि कुछ समय गंगा किनारे जाकर एकांत में भजन, मैं अपने कर्मस मिटाना। भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर, अभी तुम राज्य की धुरा अपने हाथ में, क्योंकि कलयुग निकट आ रहा है, विश्वास नहीं आता है तो पांचों भाई अलग अलग दिशा में जाओ, और जो कुछ तुमको दिखाई दे शाम को आकर उस पर विचार विमर्श करो। पांचों भाई अलग अलग दिशा में गए। युधिष्ठिर ने देखा एक हाथी जिसको दो सूंड, आश्चर्य। अर्जुन ने देखा एक पक्षी, पंख पर वेद की ऋचा लिखी है और मांस भक्षण कर रहा, ये भी आश्चर्य। भीम ने देखा कि एक गाय अपनी नवजात बछड़ी को इतना चाट रही है, इतना चाट रही है कि उसको लव लुहान करती है। सहदेव ने अलग दिशा में देखा कि चार पांच पानी के कुएं है, बीच का कुआ खाली है। नकुल ने किसी दिशा में देखा कि बहुत बड़ी चट्टान लुढ़कती लुढ़कती नीचे गिर रही है, लगती थी दूसरे पत्थर के टकराने से रुकी, लगती थी बड़े पेड़ से रुकी, लुढ़कती लुढ़कती वो बड़ी चट्टान एक तिनके से टकरा के रुक गई। आश्चर्य। पांचों भाई आए, भगवान के चरणों में नमन किया और प्रभु इसका रहस्य बताया। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर आपने देखा कि दो सूंड वाला हाथी, कलयुग में ऐसे शासक होंगे कि प्रजा का दोनों तरफ से शोषण करेंगे, इसका तो सबको अनुभव। गैस के सिलेंडर का भाव देखो क्या, पेट्रोल डीजल का भाव कहाँ गया, कई लोग बहुत चालाक होते, पार्टनरशिप पे बिजनेस कर रहे थे, देंगे देंगे वायदा करेंगे, बोले आदमी लग गया अपने, उसको 3 लाख लिए थे, लाख लाख रुपया, तब हम उसकी कब्र में छोड़ के आए, क्यों किसी का कर्जा लेके उसकी आत्मा को शांति हो गया। गए एक ने लाख की गड्डी रख, लाख रुपया उठा लिया था, दूसरा गया उसने भी लाख दिया, तीसरे ने भी कुछ रखा, कब्र से बाहर अभी तूने क्या किया, मैंने लाख रुपये रखा, दूसरा तूने, मैंने भी लाख रुपये रखा, तुमने क्या किया भाईजान, मैंने 3 लाख का चेक रखा, 2 लाख लेके आया। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे।
वायदे के मुताबिक लाख लाख रुपया रखना था, मैंने 3 लाख का चेक रखा, 2 लाख रुपया आया, ये चेक ऊपर जाके बटा। नारायण हरि, ये बात हरियाणा पंजाब से बच्चे भी मोट ले रहे। नारायण हरि नारायण, दोनों तरफ से प्रजा का शोषण हो, दोषों अर्जुन ने देखा कि उनके पर वेद की ऋचाएं है और वो पक्षी मास बातें बड़ी बड़ी करेंगे, मरते समय भी बुरे बुरे कर उनकी पेंशन वेंशन भी हमारे वहाँ है, इस प्रकार कई पंथों ने उनको आखिरी दिनों में रखी ताकि इसकी समझने वाले समझ। तो कलयुग में नारायण हरि, भीम ने देखा कि गाय अपनी नवजात शिशु बछड़ी को इतना चाट रही है कि लहू लुहान होगी फिर भी चाट रही है। कलयुग में इंसान मोह ममता में आकर अपने बच्चे को इतना दुलार करते हैं मोहवश कि उसको अपने पैरों पे खड़े रखने की क्षमता भी तो। अरे चिंटू क्यों फेल हो गया, मैं क्या करूं, मेरे पास में जो पिंटू बैठा था उसके लिए फेल, उसके कारण फेल हुआ, तू फेल हुआ, उसमें पिंटू का क्या दोष, बोले उसको कुछ आता नहीं था, नहीं तो उसकी नकल करके मैं पास होता था। मोबाइल बिगड़ गया तो बोले बच्चों भी बिगड़ा, और बच्चे क्यों बिगड़े तो बोले मोबाइल से बिगड़ा। एक बच्चे का जन्म हुआ, पैदा होते हॉस्पिटल में मोबाइल मांगा, क्या करेगा, नर्स ने कहा ऊपर वाले को एसएमएस करना है, यहाँ सही सलामत पहुंच गया। क्यों जम्मू का सीमा ये अफगानिस्तान का क्या क्या हो रहा है, ऊपर वाले को एसएमएस करना है, सही सलामत आ गया। काले सूत है कहीं खबर, कोरोना आवे सुनामी लहरों आवे कहीं थे एना पेला हूँ इन्हें एसएमएस कर। नारायण हरि नारायण, तो इतना दुलार प्रेम, कुछ अनुशासन भी चाहिए बच्चों पर अपने पैरों पे खड़े। मारू मान तो जो नहीं तिजोरी में मूकू तो ये तिजोरी में थी मोबाइल काढ़ी नाखो दाड़ो आटी नानी उम्र में मोटा मोटा चश्मा ली जाओ, कई माँ बाप मानते बच्चे मानते नहीं, सारा दिन मोबाइल चाहिए गेम खेलते रहे, माँ बाप को चश्मा नहीं बच्चों को चश्मा नहीं। नारायण हरि, तो थोड़ा बच्चों पर अनुशासन भी रखे, इतना भीम बता रहा है भगवान कृष्ण। चौथा, सहदेव ने जो आश्चर्य देखा, आसपास के कुओं में पानी बीच का कुआं ही खाली, बड़े बड़े धनाढ्य लोग शादी ब्याह में कितना खर्च करके दिखावे कितना लुटा देंगे, लेकिन आज के घर में नदी में कोई गरीब गुरबा है उसके घर आज दीपक जला के नहीं जला, उसके पेट में एक टाइम का भोजन गया के नहीं गया, उनकी उनको हजार हजार रुपये की भोजनों में 5-5 हजार की, कई लोग तो शादी ब्याह में करोड़ों रुपया 5 स्टार होटलों में दिखा, किसी गरीब के पेट में उसका खड्डा खाली है, उधर दृष्टि नहीं जाती, आसपास के कुओं में पानी बीच का कुआ खाली है, लेकिन बापूजी दीपावली के पहले आदिवासी इलाकों में खुद जाते हैं, उनको गरीब गुरुओं को अपने हाथ से बांटते, इनकी पहले दिवाली हो बाद में हम दीपावली मनाएंगे, और लोग बापू को बुलाते नहीं, बापू स्वयं जाते हैं, नर में नारायण की सेवा करना बापू जी की कोशिश। नारायण हरि, पांचवा आश्चर्य, नकुल ने देखा कि
बड़ी चट्टान लुढ़की लुढ़की, दूसरे बड़े पत्थर से न रुकी, बड़े पेड़ से टकराई न रुकी, एक तिनके से रुक गई। लोग धन के अंबार लगा देते हैं, आलीशान कोठियां होती है, मकान दुकान ये होता है, लेकिन जब विकट परिस्थिति आती है न तो सत्ता की चट्टान उसको नहीं रोक सकती, उसके दुख रूपी पहाड़ को, न धन के अंबार उस विकट परिस्थिति से उसको नहीं रक्षा कर सकते। धन सत्ता रूप लावण्य के बड़े बड़े पत्थर पेड़ थे, उस बड़ी चट्टान को लुढ़कते हुए नहीं रोक सकते। उस समय गुरु का मंत्र हो तो छोटे से मंत्र से उसके पहाड़ जैसे दुख भी रुक जाते हैं, ऐसा भगवान पांडव को बता रहे। आप में से प्राय सभी का अनुभव होगा कि बापूजी से दीक्षा लेने के पहले, बापूजी से दीक्षा लेने के पहले आपकी शारीरिक मानसिक आर्थिक जो भी स्थिति थी, पर बापूजी से दीक्षा लेने के बाद आपकी शारीरिक मानसिक क्या स्थिति थी। यदि पहले से खूब सुंदर बढ़िया हो तो अपराध करना, लोग दो दो हाथ कर रहे। तो गुरु मंत्र थे ये सारे के सारे प्रॉब्लम छूट गए। नारायण हरि संध्या का समय, कमर सीधी, आंखें बंद, धूप करने वाले धूप करे तो अच्छा है। गुरु मंत्र की शक्ति अद्भुत, आंखें बंद, कमर सीधी, दोनों नथुनों से गहरा श्वास भरे, खूब गहरा आंखें बंद रखना, समय कम। कमर सीधी, दृष्टि आज्ञा चक्र पर, और दोनों नथुनों से खूब गहरा श्वास एक मिनट रोके रखें। धीरे धीरे श्वास छोड़े, फिर से खूब गहरा श्वास भरे, खूब खूब ऊंधो श्वास लो, रोको, मानसिक गुरु मंत्र नो जप करो। फिर से श्वास भरिए, खूब गहरा, आंखें बंद,
तमारा हृदय केन्द्र पर हरि लखेलू छे अने आज्ञा चक्र पर ओम लखेलू छे। ईश्वर सर्वभूतानि हृदय से हृदय केन्द्र पर हरि मानसिक भावना करो अने आज्ञा चक्र पर ओम लखेलू छे। आंखें बंद मन से आपको ये भावना करनी है। यहाँ पर धीमी गति से इस मंत्र का उच्चारण होगा। फिर से ध्यान से सुने हृदय केंद्र पर हरि। जिन्होंने थोड़ा कम खाया होगा उसको ध्यान में सुविधा रहेगी। आज्ञा चक्र पर ओम अने तेनी ऊपर परिति हरि हरि ओम हरि। इधर मेरे तरफ मत देखना, आपके हृदय मंदिर में बापू जी विराजमान है। अपने हृदय के द्वार खुले रखना, बापू जी की अहेतु की कृपा बरसे। अगल में क्या होता है, बगल में क्या होता है, आप खुद बापू की कृपा झेलिए। जब वो लुटाने में कभी चीज करते तो आप लुटने में क्यों पीछे गुरुदेव से निराला कोई और नहीं। आपको मुंह से उच्चारण नहीं करना है, मन से। बहुत अच्छे कहो कि गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ध्यान में प्रवेश हो गया है, कोई किसी को रोकना नहीं। जिनको जो होता है होने देना। किसी को रुदन होगा, किसी को हास्य होगा, कईयों को क्रियाएं हो रही है। कुंडलिनी योग माया अपने बच्चों को शुद्ध कर रही है, पवित्र बना रही है, अपने गोद में बिठा रही है। असली आद्य शक्ति वह है कुंडलिनी योग माया, जो गुरु की कृपा से सिद्ध होती है। जा कोई पहले रोकसो नहीं, बापू की कृपा बढ़ती रही है। मंगल ने चैनल पर जियो मन जो भी जुड़े हुए हैं, आज संध्या का समय घर पे भी बापू जी की कृपा का अनुभव पहले भी कर चुके हैं और अभी भी कर सकते हैं। बापू जी सर्वसमर्थ है, वे जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस पर चाहे अपनी कृपा बरसाने में सर्वसमर्थ है।
Thank you.
दोनों नथुनों से खूब गहरा श्वास
एक मिनट रोक लो। धीरे धीरे श्वास छोड़े, फिर से खूब गहरा श्वास भरे, खूब खूब ऊंडो श्वास लो, रोको, मानसिक गुरु मंत्र नो जप करो। फिर से श्वास भरिए, खूब गहरा, आंखें बंद, તમારા હૃદય કેન્દ્રમાં હરિ લખેલું છે અને આજ્ઞા ચક્ર પર ઓમ લખેલું છે। ઈશ્વર સર્વભૂતાની હૃદય છે, હૃદય કેન્દ્ર પર હરિ માનસિક ભાવના કરો અને આજ્ઞા ચક્ર પર ઓમ લખેલું છે। આંખે બંધ, મન સે આપકો એ ભાવના કરવી। यहाँ पर धीमी गति से इस मंत्र का उच्चारण होगा। फिर से ध्यान से सुने, हृदय केंद्र पर हरि। जिन्होंने थोड़ा कम खाया होगा उसको ध्यान में सुविधा रहे। आज्ञा चक्र पर ओम अने तेली ऊपर परिति हरि। हरि ओम हरि। इधर मेरे तरफ मत देखना, आपके हृदय मंदिर में बापू जी विराजमान है। अपने हृदय के द्वार खुले रखना, बापू जी की अहेतु की कृपा बरसे। गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ध्यान
होगा, किसी को हास्य होगा, कईयों को क्रियाएं हो रही है। कुंडलिनी योग माया अपने बच्चों को शुद्ध कर रही है, पवित्र बना रही है, अपने गोद में बिठा रही है। असली आद्य शक्ति वह है कुंडलिनी योग माया, जो गुरु की कृपा से सिद्ध होती है, जागरूक होती है। कोई पहले लोग सुन रहे हैं, बापू की कृपा बढ़ती रही थी। मंगल में चैनल पर जियो मन जो भी जुड़े हुए हैं, आज संध्या का समय घर पे भी बापू जी की कृपा का अनुभव पहले भी कर चुके हैं और अभी भी कर सकते हैं। बापू जी सर्वसमर्थ है, वे जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस पर चाहे अपनी कृपा बरसाने में सर्वसमर्थ है। गुरुदेव पर कृपा बरसाए,
में थोड़ा नींबू के रस का भी उपयोग करना चाहिए। नींबू का रस, शहद और अदरक, कुदरती मधु के इन तीनों का सम्मिश्रण, मतलब एक एक चमची नींबू का रस एक चम्मच, एक चम्मच शहद प्योर और एक चम्मच अदरक का रस, तीनों का मिश्रण करके हफ्ते में दो तीन दिन यदि कोई उपयोग करता है तो पेट की कई बीमारियों से छुटकारा होगा। हाई ब्लड प्रेशर, उससे भी राहत मिलेगी। हृदय, हार्ट आपका मजबूत रहेगा। गरीब इंसान भी ये प्रयोग कर सकता है। एक चम्मच नींबू का रस, एक चम्मच शहद और एक चम्मच अदरक का रस, तीनों का मिश्रण हफ्ते में दो तीन बार, इससे बहुत फायदा होगा। नींबू का रस, सरसों का तेल और सेंधा नमक, इन तीनों का मिश्रण करके यदि दांत साफ किए जाए तो पायरिया का रोग नहीं होगा, नसुड़े मजबूत होंगे, दांत चमकदार होंगे। अहमदाबाद से हुए सचिन भाई जो मंगलमय चैनल का ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, मंगलमय चैनल से जियो थे, यूट्यूब से जो लोग, वो उनको बता कि जैसे ही हम ध्यान में प्रवेश करते ही है, घर बैठे ध्यान लगता है और हमारा ध्यान बंद करा देते हैं। बंद नहीं कराते, समय का अभाव, जो भी। नारायण हरि, नारायण हरि, उनकी ऐसी भावना इन्होंने आज बताया कि थोड़ा लंबा हो तो हम घर बैठे भी ज़्यादा लगे, और यहाँ बैठे वालों को भी ऐसा होता होगा, ध्यान का थोड़ा लंबा समय चलेगा, ऐसा आपकी भावना हो तो आगे पर करें, सभी कर रहे। बट आइए मेरी सुनो, मेरे पास इतना समय नारायण हरि, तो आप थोड़ा इसका उपयोग करें नींबू का, आपकी आंतें लचीली होगी, हार्ट के लिए भी नींबू अच्छा है। ठंड में लाल गाजर मिलेगी, लाल गाजर नेत्र ज्योति के लिए फायदेमंद है और दिमाग की ताकत के लिए भी लाल गाजर फायदा करती है। चबा चबा कर खाए तो दांत और नसुड़े भी मजबूत होते हैं। नारायण हरि, नारायण हरि। पिछली उत्तरायण शिविर में अहमदाबाद में टाटा नगर बिहार से थोड़ा उस तरफ है, कलकत्ता के पास, तो कईयों की दादागिरी की श्रद्धा होती है। बापू जी आपको सब सर्वसमर्थ मानते, अपने घर पे कोई उसको रोक टोक नहीं, लेकिन कई लोग दादागिरी की थरता है, गुरु से भी रोक झोंक करते थे। उस लड़की ने 12 सीतामोल, सीतामोल 13 सीतामोल, 13 सीतामोल की 12 गोलियां पानी से नहीं, गुजराती में घाटते होते हैं क्या बोलते हैं, केरोसिन, केरोसिन के साथ एक ग्लास केरोसिन का भरा और 12 गोलियां एक साथ 13 सीटों से लेके बापू बापू करके सो गई। मेरी आपके पास श्रद्धा सही है तो मैं सुबह अस्थि कहती मानूंगी, देहरा नहीं तो बोलना पड़ेगा। इस गुरु पूनम को, हाँ यहाँ आई थी, वो जा रहे थे अहमदाबाद में गुरु पूनम करने, तो हमको मिली थी उत्तरायण की 2020 की कैसेट में, उसका वीडियो भी उतरा हुआ है, यूट्यूब में कौवा काट है। आपको आश्चर्य होगा, सुबह वो नींद से हंसते खेलते उठी, उसको कुछ नहीं हुआ, बोलो। बारह गोलियाँ पैरासीटा मुर्गी और एक गिलास केरोसिन के साथ निकल गई। ऐसी छेड़खानी कोई गुरु से न करे। नारायण हरि, सबकी श्रद्धा में नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।
तभी तो भक्त लोग आते हैं कि सत्संग में तेरे जो भी आता खाली जोड़ी भर ले जाता।